इस दुनिया में साथी लोगों की कमी नहीं है। वो कब आपका काटते चले जाएंगे और आप अपनी कटवाते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसकी वजह सिर्फ ये है, हम खुद को इंटेलिजेंट और दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, पर होता कुछ उल्टा ही है। आप सब समझ जाएंगे, बस इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए। एक आदमी रोज़ सड़क किनारे बैठ जाता और आते जाते लोग उसे बेवकूफ़ समझ कर उसके सामने एक तरफ ज़्यादा पैसे और दूसरी तरफ कम पैसे रखते और कहते जो ज्यादा हो उठा लो। वो आदमी हमेशा कम पैसे ही उठाता। ये देखकर लोग उसका जमकर मजाक उड़ाते और उसे बेवकूफ गधा कहकर आगे निकल जाते। एक बार उसके दोस्त ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें कम पैसों और ज्यादा पैसों के बीच का अंतर पता है, पर फिर भी तुम कम पैसे ही क्यों उठाते हो? तब वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने ज्यादा पैसे उठा लिए उस दिन लोग मेरे साथ ऐसा खेल खेलना बंद कर देंगे। और उस आदमी ने इसी तरह लाखों रुपए कमा लिए। इसलिए कभी भी खुद को इंटेलिजेंट और दूसरों को मूर्ख मत समझना। भोलापन दूर करना है तो आचार्य चाणक्य की ये तीन बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखें और यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, किसी को बेवकूफ और खुद को सातिर मत समझो। कहते हैं इंसान की हार तभी तय हो जाती है जब वो दूसरों को अपने आप से कम समझने लगता है। ऐसे लोग अपने आप को तेज दिमाग, सातिर, चालाक, होशियार और पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं। खुद ही ऐसा मान लेने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, क्योंकि जो सच में सातिर तेज दिमाग होता है वो कभी जग जाहिर नहीं करता। वो चुपचाप अपना काम करता है और आगे बढ़ता रहता है। अगर आप दूसरों को अपने से कम समझोगे तो आप किसी भी काम को करने में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये भ्रम बना हुआ है वो मेरे टक्कर का नहीं है। याद रखना, एक छोटी सी चींटी हाथी को भी उसकी नानी याद दिला सकती है। दूसरी बात, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं उसका दी एंड करो। हम सभी प्रॉब्लम्स को सिर्फ सॉल्व करने में लगे रहते हैं, पर आचार्य चाणक्य कहते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं उसे जड़ से खत्म करो। एक बार आचार्य चाणक्य जी अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनके पैरों में एक कांटा चुभ जाता है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने अपने शिष्य से सारे कांटे उखाड़ फेंकने को कहा और कहा, इन सभी कांटों की जड़ों में छाछ डाल दो ताकि चींटियां कांटे की जड़ तक खा जाएं, ताकि वो कांटे फिर ना उग सकें। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय उस प्रॉब्लम का दी एंड ही कर देना चाहिए। और तीसरी बात, अपने रहस्य किसी को मत बताएं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं इंसान अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा राज दूसरों के साथ शेयर करता जाता है जो आगे चलकर उसी के लिए मुसीबत बन जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके यहाँ हजारों पानी पूरी वाले होंगे, लेकिन एक ऐसा पानी पूरी वाला होगा जिसकी शॉप पर कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है, क्योंकि उसके पानी पूरी जैसी पानी पूरी कोई और नहीं बना पाता। अगर वो अपने पानी पूरी का सीक्रेट सभी को बता देगा तो उसकी शॉप पर लोग आना कम हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सीक्रेट शेयर करने से नुकसान ही होता है। दोस्तों, अगर आप होशियारियां सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।